मेडिकल के डीन डॉक्टर राज गजभिये और क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री सुनील केदार ने प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर का दौरा कर परिस्थितियों का जायजा लिया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर में 3 फरवरी 2023 को क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार और शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजभिये, सीओ देशमुख, एग्जीक्यूटिव अभियंता गिरी, उप अधियंता दमहे, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर की प्रपाठक डॉक्टर मंजूषा ढोबले आदि की प्रमुख उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर का दौरा कर स्वास्थ्य केंद्र पर दी जा रही सुविधाएं और स्वास्थ्य केंद्र संचालन में आ रही तकलीफों का जायजा लेकर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन इस अवसर पर अधिष्ठाता राज गजभिये ने दिया। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र के डॉक्टर व अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने भी उन्हें हो रही असुविधाओं को उजागर कर शीघ्र समाधान की विनती अधिष्ठाता और पूर्व मंत्री सुनील केदार से की। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों के रिक्त पद पर भरने और स्वास्थ्य केंद्रों को प्राप्त होने वाली औषधि के लिए फिलहाल मिल रहे करीब 7 लाख रुपए की निधि को बढ़ाकर देने की और अस्थायी कर्मचारियों हेतु भी निधि बढ़ाकर देने की मांग की, जिसे मंजूर कराने हेतु हर संभव प्रयास करने की बात पूर्व मंत्री सुनील केदार ने कही। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुनील केदार के प्रयासों से जारी ट्रामा सेंटर के बांधकाम का निरीक्षण कर धीमी गति से जारी कार्यक्रम में तेजी लाकर ट्रामा सेंटर की इमारत शीघ्रता से निर्माण करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही राज गजभिये अधिष्ठाता नागपुर मेडिकल कॉलेज ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का भ्रमण कर आसपास की परिस्थितियों का जायजा लेकर अधिकारी कर्मचारियों से बात कर उनकी परेशानियां भी जानने और उन्हें सुलझाने के प्रयास किए। इस अवसर पर नागपुर जिला परिषद के पूर्व उपसभापति मनोहर कुंभारे, पूर्व नगर अध्यक्ष व शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व नगर सेवक तेज सिंह सावजी, सुनील चाफेकर, निलेश पटेल, लक्ष्मीकांत दिफ्टे आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। विशेष आयोजन म्हणजे आज इथले जे एमएलए साहेब आहेत, केदार साहेब, सुनील केदार साहेब, त्यांनी ही मीटिंग बोलवलेली आहे आणि त्यामुळे आपण इथला सर्व या आरएसटीसीचा आपण आढावा घ्यायला आलेलो आहोत। तर मी आता इतक्यातच डीनची सूत्रे हातात घेतलेली आहे। तर मी माझी ही पहिलीच व्हिजिट आहे। तर आता आम्ही राऊंड घेतल्यानंतर बऱ्याचशा सोयीसुविधा इथे उपलब्ध आहेत त्याला, आणि आता हे याला सुरू होऊनही, या सेंटरला सुरू होऊन पण 75 वर्ष, आता या वर्षी आम्ही मेडिकल कॉलेजचं प्लॅटिनम जुबली सेलिब्रेशन आहे आमचं, त्याला 75 वर्ष कम्प्लीट झालेली आहे। तर जेव्हापासून हे मेडिकल कॉलेज सुरू झालं त्याच्यात तितक्याच ड्युरेशन याला पण झालेला आहे सुरू हो, तर बऱ्याचशा समस्या दिसतात आहे। एनबीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।